Hello students, good morning. How are you? I hope you all are well in home. So today we will start science chapter 3, materials of daily use. Materials मतलब हमारा जो सामान है, जो रोज़ हमारा यूज़ होता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो है उसमें है नीड ऑफ क्लोथ्स, मतलब हमारे कपड़ों की क्या ज़रूरत होती है. वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, जो फैब्रिक्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके सोर्सेज कहाँ से आता है, कैसे बनता है वो सब. फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें फाइबर्स मिलता है जो कपड़ों के लिए, जो भी चीज़ है वो एनिमल्स से जो मिलता है उसके बारे में. फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, कल्टिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथन फाइबर, जो प्लांट्स से मिलता है कॉटन फाइबर उसके बारे में. फाइबर टू फैब्रिक, जो फाइबर है उससे फैब्रिक कैसे बनता है उसके बारे में. जूट, प्रोसेस ऑफ यूजेस एंड यूजेस ऑफ जूट कल्टीवेशन, प्रोसेस है उसका कैसे है, क्या है जूट के बारे में. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, डेवलपमेंट ऑफ क्लोथ्स, मतलब हिस्ट्री जानेंगे क्लोथ्स कैसा है, कहाँ से आया, कैसे बना, उसका यूज़ क्या है, उसकी सारा डिटेल. सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. वी वेयर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन. पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट वेयर दे लिव. द क्लोथ्स दैट वी वेयर डेली, द टॉवल, द कर्टन्स एक्सेट्रा, आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ फैब्रिक. We wear clothes to make ourselves look smart. वो कह रहे क्लोथ्स जो है हमारे बेसिक नीड है, जहाँ हम रोज़ क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा सर्दी से, हर तरीके के मौसम से, बारिश से बचने के लिए. जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो अलग अलग तरीके का मौसम होता है उसके हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं. जो क्लोथ्स है जैसे डेली क्लोथ्स, हमको टॉवल चाहिए, हमारे घर के पर्दे, कर्टन्स यानी कि पर्दे, ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनते हैं, उसके किस चीज़ का फैब्रिक यूज़ होता है, और उसके जो कपड़े हम पहनते हैं उससे हम अपने शरीर की बनावट से हम अच्छे स्मार्ट बनने के लिए अब पहनते हैं उसको. वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब वैरायटी के बारे में बात करेंगे. द क्लोथ्स वी वेयर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स. दे आर टू काइंड ऑफ फैब्रिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक. जो हम कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फाइबर्स से बनते हैं. दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट्स, एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, और फ्रॉम एनिमल्स, एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क. आवर बॉडी स्वेट अ लॉट ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन. टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो पहले तो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स से बनते हैं जैसे कॉटन और जूट प्लांट्स से बनते हैं. और वूल जो और सिल्क है वो किससे बनती है? एनिमल से. दो तरीके के हो गए. हमारी बॉडी में जो गर्मी होती है उसमें बहुत सारा पसीना आता है, बारिश में जो हुमस होती है उससे, उस बचाने के लिए, अपनी बॉडी को हीट से बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. हम उसमें जैकेट या वार्म क्लोथ्स नहीं पहन सकते, लेकिन हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो हमें गर्मी से बचा सके. एक्सपेंसिव ड्रेसेस आर मेड फ्रॉम अनदर ड्रेस मटीरियल कॉल्ड सिल्क. जो महंगा महंगा कपड़ा होता है, जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस होती हैं, जो महंगा कपड़ा बनाया जाता है, जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं, वो किस ड्रेस मटीरियल से बनती है? सिल्क से. इन विंटर द ड्रेस मटीरियल आर मेड फ्रॉम वूल. नॉर्वेज सिंथेटिक ड्रेस मटीरियल आर आल्सो पॉपुलर. जो विंटर है उसमें वूल का कपड़ा यूज हुआ होता है, गर्म कपड़ा. तो अब क्या है, नाउडेज सिंथेटिक ड्रेस मटीरियल्स आर आल्सो पॉपुलर. जो आज के टाइम में गर्म कपड़ों में भी अच्छा पार्टी वेयर कपड़ा यूज़ होने लग गया. नायलोन, ट्रिलाइन, पोलिस्टर आर सम अनदर कॉमन ड्रेस मटीरियल्स. ये और भी कई तरीके के कपड़ों के नाम. एक्टिविटी क्या है? विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फाइबर्स फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. डू यू नो हाउ दीज डिफरेंट फैब्रिक्स मेड? When you look at any fabric, it seems a continuous piece.
नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? देखो, अगर आपको पता है कि कपड़ा, आप किसी टेलर के पास जाओ, उसके पास जब सूट या कुछ भी बनाता है तो उसके कटिंग पीसेस रह जाते हैं, तो उन्हें बोला उस कटिंग पीसेस को लेकर उसके हिसाब से उसको टच करो, उसको फील करो, उस कपड़े को हाथ में लेकर उस कपड़े को फील करो कि वो कपड़ा कैसा है, वो कॉटन है, सिल्क है या वूल है, क्या चीज़ है, उसको आपको पता लग जाएगा। उसी को अगर आपको ये पता लग गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स जो है वो कैसे हो, कौन से होते हैं,